मुख्यमंत्री कमलनाथ अनुभवी नेता हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्वेस्टरों से उनके संबंध भी अच्छे हैं। इस बात से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इन्वेस्टर समिट के बाद प्रदेश में तरक्की होगी। ये बात इंदौर में बीती शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार की पॉलिसियों की सराहना भी की। दिग्गी झाबुआ चुनाव पर बोले कि आदिवासियों में आज भी कांग्रेस के प्रति आस्था है, विश्वास है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली हैं। वहीं शिवराज सिंह के समय हुए घोटालों पर कहा कि इनके कई प्रकरण सामने आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि किसने किसने प्रदेश को नोचा है और जल्द ही कई नाम भी सामने आएंगे। दिग्गी बोले कि भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की बात कही है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंह ने गोपाल भार्गव के पिछले समिट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनके समय प्रदेश में इन्वेस्टरों ने पैसा नहीं लगाया। दिग्विजय सिंह ने अपनी शैली में पत्रकारों के सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। अब परिवारवाद जहां तक सवाल है वो हर पॉलिटिकल पार्टी में है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, और अब तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी आ गया है, तो इसलिए तो ये आरोप उनका सही नहीं है। और जहां तक कांग्रेस के बारे में, तो कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, और मैं समझता हूँ कि वो देश की चिंता ज़्यादा करें। बेरोजगारी बढ़ रही है, MTNL के लोगों को तनख्वाह 2 महीने से नहीं मिल रही है, BSNL के 3 महीने से 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर विचार करें, उस पर ध्यान दें, बाकी सब चीज़ें छोड़ें।